माय ब्यूटीफुल फैमिली और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है मुंबई कर बिंदु और मैं आज आप लोगों के साथ में प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को आप किस तरह से स्टॉप कर सकते हो वो रेमेडी आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जैसे कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं दोस्तों, ये आंवला है, आप सभी जानते हैं, और विंटर सीजन में ये बहुत ही आसानी से हमें आंवला मिल जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, आंवला फ्रेश वाली मिल जाए या फिर इस तरह से ड्राई वाली आंवला आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के पिगमेंट लॉस हो जाते हैं ना, तो आंवला क्या करती है, उस चीज को फिर से मेंटेन करने का, फिर से हमें नेचुरल कलर देने का हमारे बालों को काम करती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे, आपने देखा, नोटिस किया, मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है दोस्तों, और मैं यहाँ पे इतनी जो आंवला है क्वांटिटी, मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। और इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करिए अगर आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग होना शुरू हो गए हैं या फिर बाल आपके टूट रहे हैं, हेयर लॉस काफी ज्यादा हो रहे हैं आपको, या आपके हेयर ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करेगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेथी दाना हमारे स्कैल्प के लश्चर्स को मेंटेन करती है। हमारे हेयर में एक ऐसा एंजाइम्स पाया जाता है जैसे कि कैरेटीन पाया जाता है, जो कि उसे मेंटेन करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो मेथी आपको लेना यहाँ पे मस्ट है। तो आंवला के साथ में इस तरह से एक बड़े चम्मच के तकरीबन आप यहाँ पे मेथी दाना भी ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने स्कैल्प को ट्रीट करेंगे, हेयर को ट्रीट करेंगे, या फिर जो इन्फेक्शन वगैरह लगने के जो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसे दूर करने के लिए, और हमारे बालों को एक वॉल्यूम देने के लिए हमने यहाँ पे देखिए पीस करके, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ इस तरह से नजदीक ला के कैमरे के पास, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये है हमारे पास अलसी के दानों के पाउडर। तो मैंने इस तरह से अलसी के दानों के पाउडर रखे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने स्किन पे और हेयर पे दोनों का यूज करते रहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे। बाकी की चीजें भी आपको सिर्फ ग्राइंड ही करनी है अच्छी तरह से, इन सारी चीजों को ना, तो लोहे के कढ़ाई में अच्छे से आप इसे आयरन पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इन सारी चीजों को आपको रोस्ट करना है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पे, अगर आपके पास इन सारी चीजों का पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है। सारे पाउडर को आपको एक एक चम्मच लेना है और लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ना मैं जिसे भी बताऊंगी आपको उसी तरह से इस रेमेडी को प्रिपेयर करिएगा। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपको इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। सारी के सारी जो चीजें हैं अच्छे से थोड़ी सी भून जाए, बहुत ज्यादा आपको इसको जलाने की जरूरत नहीं है। हम इससे एक नेचुरल रेमेडी बनाएंगे जिससे कि हमारे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है ना वो हमारी स्टॉप हो जाए, साथ ही साथ हमारे जो बाल हैं सफेद हो रहे हैं वो अच्छी तरह से काले होने लगे। इस रेमेडी को मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ दोस्तों, और आप लोगों के ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। देखिए, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और ये जो आंवला है ये फूक गई है। अब इसे आप मिक्सी ग्राइंडर में पीसोगे तो अच्छी तरह से पीस जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखते हैं। आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके हेयर इतने सफेद नहीं है, बट आप इतनी रेमेडीज बताती हो। मैं इसलिए बताती हूँ दोस्तों क्योंकि मेरी जो बाल सफेद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपके भी बाल आप काले बना सको नेचुरल तरीके से, जो मैं करती हूँ, और आप भी अपने बालों को नेचुरली काला बना सके कोई भी एज हो दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, दीदी मैं 25 साल का हूँ, दीदी मैं 35 या 30 की हूँ और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दीदी कुछ रेमेडी बताइए। मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ में रेमेडी शेयर की है और वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा ताजुब होता है कि आपके पूरे बाल सफेद हो गए ऐसे कमेंट्स आते हैं। यू नो 20 से जो 40 की उम्र वाले हैं ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा खराब लगता है कि आपने अभी तक क्यों नहीं उन चीजों को फॉलो किया जो कि बहुत नेचुरल है, जो बहुत बेसिक है, जो आज के डेट में सभी जानते हैं। जैसे मेरे बाल भी उतने सफेद नहीं है दोस्तों, सच बात है, क्योंकि मैंने अपने डाइट पे, अपने खाने पीने में इन सारी चीजों का ख्याल रखा है, और ये जो रेमेडीज होती है मैं वही चीजें अपने बालों पे लगाती हूँ, इसीलिए ये अभी तक काले बने हुए हैं। थोड़े बहुत जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होते हैं 10-20 वो चल जाएंगे, वो फिर से हम अच्छी तरह से उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी नेचुरल रेमेडीज के लिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूंगी
तो चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सारी चीजों को मैंने यहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दूं ताकि आप लोग देख सको, ये आंवला अच्छे से फूल भी गए हैं। ठीक है, रोस्ट करोगे तो थोड़ा फूल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मैंने अच्छी तरह से इसका एक पाउडर बना करके रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये हमारे बालों को जान देंगे, जीवन देंगे, हमारे बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ही झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो इस रेमेडी को आप जरूर फॉलो करें। सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, तो बस ये एक चम्मच के तकरीबन हमने इसे ले लेना है इस तरह से। अब इस देखिए, ये तो दो तीन चम्मच के तकरीबन है, तो मतलब कैसे आपका ये 3 दिन तो आराम से चला जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, एक और बच गया। ठीक है, तो आप तीन बार मतलब हफ्ते में इसे 3 बार जरूर लगाएं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के तकरीबन इसे लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ यहाँ पर, और लोहे की पैन में ही इस रेमेडी को बनाइएगा। अब देखिये फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, कच्ची घानी आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे आप उतना ऑयल लीजिए, मतलब 1 से 2 दिन मतलब आराम से आपका चला जाए। तो ये मैं, ये देखिए, ये 2 टाइम आप लगा सकते हो इस ऑयल को इस तरह से। आपको ये लोहे के पैन में हल्के से थोड़ा सा हमें गुनगुना करना है। आप चाहे तो इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से, इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट मिलाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया है, ये है नीला पत्ता इंडिगो पाउडर। ठीक है, जब आप इस तरह से सरसों के तेल में इंडिगो पाउडर को यूज करेंगे और इन सारी चीजों को डाल करके यूज करेंगे, तो 100% आपके बाल काले होंगे। और मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ कि आपके बाल भले कितने भी सफेद होने दीजिए, इस रेमेडी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब इसको लगाने का जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, थोड़ा सा हल्का सा पैन गरम था, बस इसे ज्यादा खौलाने की और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये अपना कलर अपने आप प्रोड्यूस कर दिया है उसने, इंडिगो पाउडर ने, और इन सारी चीजों के साथ में मिलके इसका कलर देखिए कितना प्यारा और डार्क हो चुका है। तो इसने अपना कलर बना ही दिया। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ना हम किसी भी पोटली की हेल्प से अच्छी तरह से सबसे पहले छान लेते हैं, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, थोड़ी बहुत अगर कण आपके बाल में लगेगा तो आपको थोड़ा इरिटेशन होगा। तो इसीलिए क्या करना है, इसे हमें थोड़ा छानना है। लेकिन मैं उसके पहले क्या करने वाली हूँ, इसे कम से कम इसी कढ़ाई में ऐसे 10 से 20 मिनट इसी तरह से छोड़ दूंगी। ठीक है, ताकि इसका और नेचुरल कलर जो है ये रिप्रोड्यूस कर दे, इंडिगो, जिसे हम नीला पत्ता के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैं इसे बालों पे लगा करके आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसे लगाएंगे, कितने टाइम रखना है, सारी चीजों का नॉलेज दूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक कांच की बाउल ली है और उसके ऊपर एक ऐसा मलमल का मसलिन का एक क्लोथ आपको ले लेना है। अब हमने जो यहाँ पे कढ़ाई में इस तरह से इस रेमेडी को प्रिपेयर किया है, बस आपको यहाँ पे इसे लेकर के अच्छे से छान लेना है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके आपको इरिटेशन ना हो, क्योंकि ये जो चीजें मतलब बाल में लग जाती हैं तो कैसे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। मेन या फिर वीमेन, अगर आप 25 साल के भी हैं दोस्तों, 15 साल के भी हैं, तब भी इस रेमेडी को आप यूज जरूर करिएगा। इस तरह से देखिए, मैंने इसे पोटली में ले लिया है और इसे अच्छी तरह से देखिए, इसका कलर देखिए आप, इतना प्यारा कलर है दोस्तों। इसी से आपके अपने बालों को काला बनाना है, तो इस तरह से आपको अच्छे से छान लेना है। तो ये आपका 1 टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए आप इसे बना करके इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, अच्छी तरह से हमें इसे पूरा ले लेना है, कुछ भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हो मेरे नाखूनों में इसका कलर गया है, आप देख सकते हो, ये इतना बेस्ट है ना दोस्तों। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए, इस ऑयल को हम अब लगाना शुरू करते हैं अपने बालों पे। काफ़ी अच्छा और थिक कंसिस्टेंसी में ये बन चुका है। ऑयल को अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया है और ये बहुत ही सुपर इस तरह से आपको कलर देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर दिखे, आप वहां वहां पे इसे जड़ों पे जरूर लगाएं, जिससे कि देखिए आपके जो बाल हैं ना ये काले हो जाएंगे। तो अभी देखिए रात का समय है, अगर आपने रात के टाइम पे इस ऑयल को यूज किया तो ये आपको दिन भर में ही आपके देखिए ये जड़ों पे इस तरह से लगाना है। दिन में आप उठ के देखोगे तो आपके पूरे जो बाल हैं ना वो ब्लैक हो जाएंगे सिर्फ इस ऑयल के यूज करने से।
ये देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से कवर कर देना है, जहां पे भी आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर लगे या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं। देखिए इसे ओवरनाइट रखने का यही बेनिफिट है कि मीन्स आपके जो बाल है ना अच्छी तरह से ओवरनाइट ये वर्क करेंगे, और ओवरनाइट जो चीजें वर्क करती हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है बालों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जरूर लगाएं। और अगर आप मॉर्निंग टाइम पे लगा रहे हैं ना, तो कम से कम 1 घंटे इस तेल को लगा करके छोड़िए, फिर अपने बालों को धो लीजिए। तो ये 100% यू नो नेचुरल चीजें हैं, और जिससे कि आपके बाल आप अपने काले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे जड़ों पे जरूर लगाए, जहां जहां पे भी आपको लगे कि आपके बाल सफेद हैं। अभी देखिए मेरे हस्बैंड के बालों पे मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, इनके कुछ ही बाल जो हैं सफेद है, और यहां से गंजापन होना शुरू हो गया था। तो कैसे होता है, मैंने उन सारी चीजों की रोकथाम कर दी, क्योंकि जो हम नेचुरल चीजें लगाते हैं और बनाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ये देखिए बाल भी आपके बहुत तेजी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे बहुत सारे नेचुरल DIY होम रेमेडीज देखने के लिए।